के नाम पे सलाम। आप सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम में सलाम। इससे पहले कि हम प्रभु के वचन की ओर बढ़े, छोटी सी प्रार्थना में जाएंगे। खुदावंद, आपने आज की वर्षिप को अपने हाथों में लेकर चलाया, आपका धन्यवाद। आपके स्वर्ग के राज्य में कबूल हो जाए। अभी पिता आइए और अपने बच्चों से आप खुद बातचीत कीजिए। जो आप सिखाना चाहते हैं हम सबको सिखाइए, और जो हमारे अंदर से निकालना चाहते हैं उसको निकालिए। सारी ब्रॉडकास्टिंग टीम को, सारी लाइव स्ट्रीमिंग को अपने सामर्थ्य हाथों में लीजिए, अपने खून में ढांप के रखें, ताकि तेरी स्वर्गीय वाणी तेरे लोगों तक पहुंचने पाए। अपने दास दासी को अपने खून के द्वारा मसा कर दे। धन्यवाद पिताजी दुआ को सुनने के लिए। प्रार्थना को प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं। प्रार्थना को प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं। आमीन। आमीन। खुदावंद आप सबको बड़ी बड़ी आशीष दे। खुदावंद आप सबको बड़ी बड़ी बरकत दे। आप सबको परमेश्वर संभाला होगा, और हमारा विश्वास है कि आप परमेश्वर ने आप सबको सही सलामत संभाला होगा, और आप सब जन अपने अपनी जगह पर ठीक ठाक होंगे। आज का हमारा जो वचन का विषय है वो है मन फिराने के ऊपर, यानी कि तोबा करने के ऊपर, यानी कि जिसको पश्चाताप करना भी कह देते हैं। इंग्लिश में इसको रिपेंट करना बोलते हैं, माफी मांगना, यानी कि माफी मांगना, फिर जाना बुरे मार्गों से, फिर जाना अपने बुरे मार्गों से, फिर जाना पाप से, फिर जाना पाप से, फिर जाना सच्ची तौबा करना, यानी कि सच्ची तौबा करना, परमेश्वर के सामने झुका देना, यानी कि अपने आप को परमेश्वर के सामने झुका देना कि प्रभु मैं तुझसे दूर रहा, कि प्रभु जी मैं तुझसे दूर रहा, मैंने बहुत सारी गलतियां करी, बहुत सारे मैंने पाप किए, लेकिन पिता अब मैं मुड़ के वापिस आ रहा हूँ, तो देखना उस जीवन में कितनी आशीष आती, तो देखना उस जीवन में कितनी आशीष आती है। आज हम पूरी बाइबल में से उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक जहाँ जहाँ भी दिखा हुआ है, मन फिराने के ऊपर, यानी कि पश्चाताप के ऊपर सीख कर चलेंगे, उस पर सीख कर चलेंगे। आज दुनिया में इतने दुख क्यों, इतनी बीमारियां क्यों, इतनी परेशानियां क्यों, इतने संकट क्यों, इतने हाहाकार क्यों, इतनी मारा मारी क्यों? इसकी एक वजह है, क्योंकि इंसान के बीच में, समाज के बीच में कितने पाप बढ़ गए, कितनी बुराइयां बढ़ गई, कितनी नफरत बढ़ गई, कितना लोगों में स्वार्थ बढ़ गया, इंसान अपने जीवित परमेश्वर को भूल गया, जिसने उसको रचा था, वो अपने जीवित परमेश्वर से दूर चला गया, वो परमेश्वर की जरूरत ही नहीं समझता, वो परमेश्वर के पास आना ही नहीं चाहता, यानी कि वो अपने बुरे कामों में जिनमें वो फंसा हुआ है उनको वो छोड़ना ही नहीं चाहता, अपने गलत कामों से मन फिराना ही नहीं चाहता, वो अपनी ही पसंद का जीवन जीना चाहता है, उसका मन जो कुछ कहे वो करना चाहता है, परमेश्वर की पसंद का जीवन जीना नहीं चाहता, परमेश्वर की पसंद का वो जीवन जीना नहीं चाहता। आज का इंसान दुखी है, इसलिए आज का इंसान जो है दुखी है, इसलिए आज का इंसान परेशान है, इसलिए आज का इंसान बीमार है, इसलिए आज का इंसान जो है चिंता में रहता है, इसलिए आज का इंसान गरीबी में है, इसलिए आज का इंसान तकलीफ में है, उसकी बुद्धि काम नहीं कर रही, उसकी जो बुद्धि है काम नहीं कर रही, इंसान के जीवन में पाप बुराइयां बढ़ी होंगी, जब इंसान के जीवन में पाप बुराइयां बढ़ी होंगी, उसके जीवन में पाप ही भरा होगा, बुराइयां ही भरी होंगी, उसकी बुद्धि काम नहीं करेगी, उसकी बुद्धि काम ही नहीं करेगी, क्योंकि वो परमेश्वर की तरफ आ ही नहीं रहा,
क्योंकि वो परमेश्वर की तरफ आ ही नहीं रहा। इसलिए समाज में आज इतने दुख हैं। फिर इन सारी समस्याओं का हल क्या है? इन सभी समस्याओं का हल तभी हो सकता है चाहे वो ये समस्याएं हमारे देश में हो, चाहे विदेशों में हो, चाहे वो किसी भी घर में हो, उसका एक ही सलूशन है कि वो अपनी सारी बुराइयों से मन फिराए, सच्ची तौबा कर ले, सच्चा पश्चाताप कर ले, वो मुड़कर अपने परमेश्वर के पास आ जाए, वो परमेश्वर को याद करे, वो सोचे कि परमेश्वर ने मुझे किस लिए रचा था। फिर उसको सच्चे तौर पे बदल के आना पड़ेगा, उसको पूरी तरह से बदलना पड़ेगा, अपने मन को पूरी तरह से दुनिया से अलग करना होगा, यानी कि अपने मन को फिराना पड़ेगा। जिन संसारी का अभिलाषाओं में फंसा हुआ है, जिन बुराइयों में वो फंसा हुआ है, जिस पाप में वो फंसा हुआ है, उसको उन बुराइयों से मन फिराना होगा और पूरी तरह से अपने मन को फिरा करके परमेश्वर के कदमों में आ जाए। फिर देखिए उसके जीवन में कितनी आशीष आए। यही आइए हम आज के वचन की शुरुआत करेंगे। प्रेरितों के काम 3 अध्याय उसकी 19 आयत। इसलिए मन फिराओ और लौट आओ कि तुम्हारे पाप मिटाए जाएं, जिससे प्रभु के सम्मुख से विश्रांति के दिन आए। लिखा है इसलिए मन फिराओ। प्रभु का दास क्या कहता है? इसलिए मन फिराओ और लौट आओ। मन फिराओ और लौट आओ कि तुम्हारे पाप मिटाए जाए, कि तुम्हारे जो पाप है वो मिटाए जाए। क्या मतलब कहने का हुआ? मन फिराओ। किस चीज से मन फिराओ? दुनिया के बुरे कामों से, बुरी बातों से, बुरी योजनाओं से, बुरी आदतों से, और लौट आओ। कहां पर लौट आओ? परमेश्वर के कदमों में लौट आओ, सच्ची जगह पर लौट आओ, सच्चे द्वार के पास लौट आओ, उस पिता के पास जिसने आपको रचा था, वहीं पर लौट आओ, ताकि तुम्हारे पाप मिटाए जाए। वचन कहता है तुमने जितने मर्जी क्यों ना पाप किए हो, आपने कितने भी पाप क्यों ना किए हो, वो परमेश्वर अपने बेटे यीशु के लहू से आपको धो देगा। इसलिए मन फिराओ और लौट आओ कि आपके पाप मिटाए जाए, जिससे प्रभु के सम्मुख विश्रांति के दिन आए, जिसके आपके सामने विश्राम के दिन आ जाए, आपके जीवन में शांति आ जाए। जब आप दुनिया के पापों को, दुनिया की बुराइयों को छोड़ दोगे, अपने मन को, अपने विचारों को बदल लोगे, अपने सच्चे पिता परमेश्वर के पास आ जाओगे, आपके अंदर सच्ची शांति आ जाए, सच्ची खुशी आ जाए, फिर आपके अंदर मारा मारी नहीं रहेगी, फिर आपके अंदर हाहाकार नहीं रहेगी, समाज के बीच में हाहाकार नहीं रहेगी, समाज के बीच में मारा मारी नहीं रहेगी। ये क्यों है ऐसा? क्योंकि इंसान अपने परमेश्वर छोड़कर दूर चला गया। अगर हम उत्पत्ति 3 अध्याय में देखें, आदम और हवा को परमेश्वर ने रच करके अदन के बाग में रख दिया। उनको क्या कहा? इस बाग के सारे वृक्षों के फल को खा सकते हो, पर एक वृक्ष का फल जो उस बाग के बीच में लगाया था, उसका नाम था भले और बुरे के ज्ञान का वृक्ष, उनका फल तूने नहीं खाना।
परमेश्वर ने उनको ये कहकर के बाग में रख दिया, दोनों को अदन के बाग में रख दिया, दोनों को रच्चा बनाया और अदन के बाग में रख दिया। जब उनको अदन के बाग में रख दिया फिर क्या हुआ? सांप ने आकर हवा को भेंका दिया कि तू इस वृक्ष का फल खा ले, कि तू इस वृक्ष का फल खा ले, तुम्हारी तो आंखें खुल जाए। हवा ने उस सांप की बात को सुन करके उस बाग में जो वृक्ष लगा था वृक्ष के फल को तोड़ के खा लिया और आदम को भी खिला दिया। यानी कि दोनों ने परमेश्वर की आज्ञा क्या कर दी? तोड़ दी। परमेश्वर ने जब आदम को पुकारा, आदम तू कहाँ है? आदम ने क्या कहा? परमेश्वर में बारी में तेरी आवाज को सुनकर के डर गया। परमेश्वर ने क्या कहा? मेरी आवाज सुनकर डर गया। पहले तो तू कभी डरा नहीं करता, आज क्यों डर गया? क्या तूने उस वृक्ष के फल को तोड़कर खा लिया जिस वृक्ष का फल तोड़कर खाने के लिए मैंने तुझको मना किया था? आदम ने क्या कहा? इस स्त्री ने मुझे यह फल खिला दिया जो तूने मुझे दी है, इसने मुझे फल तोड़ के खिला दिया। स्त्री को पूछा हवा को, तूने क्यों ऐसा किया? उसने सांप के ऊपर दोष लगा दिया, सांप ने मुझे बहका दिया कि तू ये फल तोड़ के खा ले, कि मैंने तो उसकी बात सुन के फल तोड़ के खा लिया। सर को पूछा, फिर परमेश्वर ने तीनों को श्राप दे दिया, आदम हवा को भी श्राप दिया, जैसे उत्पत्ति 3 अध्याय में दिया गया है, उन दोनों को आदम के बाग से बाहर कर दिया। यानी कि आदम ने सॉरी फील नहीं करी, पश्चाताप नहीं किया, ना ही हवा ने ऐसा किया, बल्कि एक दूसरे के ऊपर दोष लगाते रहे। गलती कर दी, वचन तोड़ दिया, पर माफी नहीं मानी, एक दूसरे पर दोष लगाते रहे। अगर आदम माफी मांग लेता, परमेश्वर मेरे से गलती हो, आगे से नहीं होगी, हो सकता कुछ और ही पिक्चर उस समय, ना ही हवा ने माफी मांगी, उन दोनों को दोनों में परमेश्वर ने अदन के बाग से बाहर कर दिया और सर्प को भी श्राप दे दिया। यानी कि आज का इंसान क्या करता है? काफी लोग भी ऐसे करते हैं, कोई गलती कर देता है, वो माफी नहीं मांगता, दूसरों पर दोष लगा देता है, जैसे आजकल पॉलिटिकल पार्टीज करती हैं, एक दूसरे के ऊपर दोष लगाती है, कोई अपनी गलती नहीं मानता। अगर आज का इंसान अपनी गलती मान ले, गलती होगी, पाप हो गया, पाप को कबूल कर ले, गलती को कबूल कर ले, परमेश्वर के पास आ जाए कि परमेश्वर मैंने गलती करी, परमेश्वर तो माफ कर सकता है, वो तो सबको प्रेम करता है, उसके लिए कोई जाति धर्म का कोई चक्कर नहीं, वो तो सबको प्रेम करता है, पर उसके पास कोई आए तो सही, उसने सारी दुनिया के पापों के लिए अपने बेटे यीशु को इस जमीन पर भेजा और सबके लिए अपना खून बहा दिया। और बाइबल में लिखा भी, उसके पुत्र यीशु मसीह का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। पर इंसान क्या करता है? झुकना पसंद नहीं करता, माफी मांगना पसंद नहीं करता, गलती मानना कबूल करना पसंद नहीं करता और परमेश्वर के पास आना ही नहीं चाहता। प्रभु तो माफ कर सकता है, पर कोई माफी मांगे तो सही। और जब हम निर्गमन की किताब में पढ़ते हैं 10 अध्याय की 17 आयत में, जैसे परमेश्वर ने मूसा और हारून को जो है मिस्र देश में भेजा कि जाके मेरे इस्राएली लोगों को आजाद करा के लेकर आओ, मैं आपको शॉर्ट में बताऊंगा। मूसा और हारून उस देश में गए, वहां पर जाके फिरौन राजा को मिले, उनको जाके कहा कि मैं हमारे इस्राएली लोगों को आजाद कर दो, हमको परमेश्वर ने भेजा। पहले तो फिरौन ने अपने मन को कठोर किया,
जब परमेश्वर ने मूसा और हारून के जरिए वहां पर चमत्कार करने शुरू किए, वहां पर विपत्तियां डालने शुरू की, यानी कि वहां पर अनेकों प्रकार की विपत्तियां डालने शुरू करी, फिरौन मन फिरा लेता जाता, पर फिरौन यही कहता कि मेरे लिए प्रार्थना कर कि उस समय ये विपत्ति दूर हो जाए। जब मूसा और हारून परमेश्वर से प्रार्थना करते वो विपत्ति दूर हो जाती, पर फिरौन का मन लिखा है फिर कठोर हो जाता। जब फिर कठोर हो जाता फिर इज़राइल लोगों को आजाद करने से रोक देता। फिर परमेश्वर ने मूसा और हारून के जरिए फिर से चमत्कार किए, यानी कि वहां पर कितनी विपत्तियां डाली परमेश्वर ने, आखिरकार उसका रिजल्ट क्या हुआ, जब फिरौन के उधर कितनी विपत्तियां डाली गई, मिस्र देश पूरा नाश हो गया। आखिरकार जो फिरौन ने जो है इजराइल लोगों को आजाद कर दिया, इजराइल लोगों को जाने दिया, और आगे जाकर जब वो लाल समुद्र के पास पहुंचे थे, इजराइल लोग जब लाल समुद्र के पास पहुंचे थे, फिर फिरौन का मन कठोर हो गया और फिरौन फिर उनका पीछा करने के लिए चला गया, फिर अपनी सेना को लेकर पीछा करने के लिए गया। परमेश्वर ने मूसा के जरिए फिर वहां चमत्कार किया, मूसा ने लाठी बढ़ाई समुद्र को दो भागों में कर दिया और समुद्र में उनके लिए सड़क बन गई। इजराइली लोग सड़क पार चलते रहे चलते रहे, मिस्री लोग भी उनके पीछे पीछे उसी सड़क पर आ गए। आगे जाके परमेश्वर ने फिर क्या किया, इजराइली लोग तो समुद्र पार कर गए। जब इजराइली लोगों ने समुद्र को पार कर लिया, परमेश्वर ने उस समुद्र को उस सड़क को फिर से पानी का कर दिया, सड़क को यानी खत्म कर दिया। जो मिस्री लोग आ रहे थे वो सड़क पे चलने की कोशिश कर रहे थे पर वो समुद्र में मारे गए। अब देखिए फिरौन ने अपने मन को कठोर किया, सच्चे तौर पे अगर वो पश्चाताप कर लेता, अपने मन को बदल लेता, अपने मन को कठोर ना करता। जब मूसा और हारून उस देश में गए थे उस समय इज़राइलियों को आजाद कर लेता तो वो बच सकता था। काफी लोग भी आज ऐसे ही होते, काफी लोग फिरौन राजा की तरह करते, जब उनके जीवन में विपत्ति आती है तब तो बड़ा झुक जाते हैं, परमेश्वर से माफी मांगते हैं, सेवकों से माफी मांगते कि पास्टर जी गलती होगी, आगे से नहीं होगी, अब गलती माफ कर दो, हमारे लिए प्रार्थना कर दो, हम ठीक हो जाएं, हमारे घर में सब कुछ ठीक हो जाए। उस समय तो झुक जाएंगे और जब प्रभु के दास उनके लिए प्रार्थना करेंगे वो लोग ठीक हो जाते, फिर वो बदल जाते, फिर उनके मन जो है धीरे धीरे कठोर हो जाते। पहले वायदा किया था संडे चर्च रेगुलर आएंगे, बाद में सब कुछ भूल जाते हैं। पहले वादा किया था हम ये करेंगे प्रभु के लिए इतनी सेवा करेंगे, जब परमेश्वर ने सब कुछ कर दिया फिर सब कुछ भूल जाते हैं। कितने लोग जो है एक बार नहीं बल्कि अनेकों बार तौबा करते हैं, जब उनके जीवन में सुख आ जाता है, अच्छी ड्यूटी मिल जाती है, अच्छा घर बन जाता है, अच्छा उनके पास पैसा आ जाता है, वो परमेश्वर को भूल जाते हैं। जब परमेश्वर को भूल जाते हैं फिर परमेश्वर को याद दिलाने के लिए उनके ऊपर विपत्ति डालता है। इसलिए सच्ची तौबा करो, एक ही बार करो, एक ही बार तौबा होनी चाहिए, तौबा नहीं चंगी बार बार। एक वारी तू कन्ना नू हाथ ला ले, तौबा नहीं चंगी बार बार दी। पर कई लोग जो कट्टर ईसाई होते हैं वो क्या करते हैं, मैं तेरी बत्ती दे बत्ती दंद बार काट दे, भावे मैंने तौबा द्वारा करनी पै जाए, वो तौबा को इतना सस्ता समझ ले। एक बार की कई की सच्ची तौबा को परमेश्वर पसंद करते हैं, एक बार किए गए सच्चे पश्चाताप को परमेश्वर पसंद करते। अगर आप एक बार तौबा करके उसको तोड़ दिया फिर पाप करने लगे, फिर परमेश्वर से मुड़ गए, दूसरी तौबा वो कबूल नहीं करेगा। हालेलुया।
अगर हम पहला शमूएल 15:24-25 ऐसे आयतों पे पढ़ें, शाऊल ने भी वहां पर पश्चाताप किया, उसने गलतियां करी वहां पर दो बार, एक तो उसने शमूएल नबी के बिना ही होम बलि चढ़ा दी, ये परमेश्वर को अच्छा नहीं लगा, शमूएल भी उसके ऊपर गुस्सा हुआ, उसी समय शमूएल नबी ने शाऊल को कह दिया था जिसको यहाँ का राजा बनाया जाए। दूसरी गलती फिर उसने क्या करी? परमेश्वर ने कहा था अमलेकियों को पूरी तरह से नाश कर दे। शाऊल ने क्या किया? वहां उस देश में जाके अमलेकियों को बहुत सारे को नाश तो किया, पर उनके राजा को जिंदा पकड़ लिया, और दूसरा उनके पशुओं को भेड़ बकरियों को भी जिंदा ले आया। जबकि परमेश्वर ने कहा था उनके बच्चे बूढ़े जो भी जानवर सभी को पशुओं को मारना है, ये भी परमेश्वर को अच्छा नहीं लगा कि तूने सभी को खत्म क्यों नहीं किया, राजा को भी तो जिंदा पकड़ा है, वहां के पशुओं को कितनों को ले आया। तो शमूएल ने कहा परमेश्वर तुझे राजा बना के पछताता है, यानी कि उसने सच्चा पश्चाताप नहीं किया, फिर भी उसने माफी तो मांगी। अगर हम पहला शमूएल 15:24-25 आयत में देखें, शाऊल ने शमूएल से कहा, मैंने पाप किया है, मैंने तो अपनी प्रजा के लोगों का भय मानकर और उनकी बात सुनकर यहोवा की आज्ञा और तेरी बातों का उल्लंघन किया है, परंतु अब मेरे पाप को क्षमा कर और मेरे साथ लौटा कि मैं यहोवा को दंडवत करूं। देखिए उसने पश्चाताप किया कि मैंने पाप किया है, मैंने पाप किया है। शाऊल ने इस बात को स्वीकार किया, पर फिर भी परमेश्वर उसको क्षमा नहीं किया क्योंकि उसने बार बार ही गलतियां कर। परमेश्वर ने उसको राजा की गद्दी से उतार दिया, उसके जगह दाऊद को राजा बना दिया। शमूएल 12:13 में अगर हम पढ़े, दाऊद ने भी जो गलती करी थी उसने भी पश्चाताप किया। अच्छी बात है अगर आपसे एक बार गलती होगी तो उसके लिए माफी मांग लो, अगर बार बार गलतियां करोगे बार बार माफी मांगोगे तो परमेश्वर को अच्छा नहीं लगेगा। 2 शमूएल 12:13 में दाऊद ने भी गलती मानी क्योंकि उसने हित्ती उरिया को मरवा करके उसकी पत्नी को अपनी पत्नी कर लिया था, ये परमेश्वर को अच्छा नहीं लगा। परमेश्वर ने दाऊद को बोला, मैंने तेरी सुख विलास के लिए कितना कुछ तुझे दिया, फिर भी तूने इतनी बड़ी गलती कर दी, अगर तुझे और कुछ चाहिए था मैं और भी तुझे दे देता, तूने इतनी बड़ी गलती क्यों करी, परमेश्वर को अच्छा नहीं लगा। परमेश्वर ने फिर उस स्त्री से जो बच्चा पैदा हुआ था, दाऊद का बेटा पैदा हुआ था, उसको जिंदा नहीं रहने दिया, यानी कि हित्ती उरिया की हित्ती उरिया को मरवा के जो उसकी उसने अपनी उसकी पत्नी को अपनी पत्नी कर लिया था, उस पत्नी से जो बच्चा पैदा हुआ था परमेश्वर ने उसको जिंदा नहीं रहने दिया। 2 शमूएल 12:13 तब दाऊद ने नातान से कहा, मैंने यहोवा के विरुद्ध पाप किए हैं। देखिए दाऊद ने भी गलती को माना, मैंने परमेश्वर के विरुद्ध पाप किया है। नातान ने दाऊद से कहा, यहोवा ने तेरे पाप को दूर किया है। देखिए उसने गलती मानी, नातान नबी ने क्या कहा? परमेश्वर ने तेरे पाप को क्षमा कर दिया। बाइबल में लिखा है पहला राजा 15:5 में कि दाऊद राजा ने इस हित्ती उरिया वाली बात के सिवा किसी भी बात में परमेश्वर के खिलाफ नहीं वो चला, क्योंकि दाऊद वह किया करता था जो यहोवा की दृष्टि में ठीक था, और हित्ती उरिया की बात के सिवाय और किसी बात में यहोवा की किसी आज्ञा से जीवन भर कभी न मुड़ा। लिखा कि जीवन भर और भी किसी बात से परमेश्वर के सामने से वो ना मुड़ा।
गलती माने, यानी कि उसने अपनी गलती मानी और उसने जो पाप किया उसको स्वीकार किया और उसने जो पाप किया था उसको स्वीकार भी किया। भजन संहिता क्या बोलती जो दाऊद ने लिखा है, भजन संहिता 51 में 51 में जो दाऊद ने लिखा है, उसने अपनी गलती को खुलेआम स्वीकार किया। दाऊद ने अपनी गलती को खुलेआम पे स्वीकार किया। कितनी अच्छी बात परमेश्वर को अच्छा लगा, तभी तो परमेश्वर ने उससे भजन संहिता में कितने जो भजन लिखवाए, सैकड़ों भजन लिखवाए। हे परमेश्वर, अपनी करुणा के अनुसार मुझ पर अनुग्रह कर, अपनी बड़ी दया के अनुसार मेरे अपराधों को मिटा दे, मुझे भली भांति धोकर मेरा अधर्म दूर कर और मेरे पाप छुड़ा कर मुझे शुद्ध कर। यानी कि पूरे भजन संहिता 51 में वो अपनी गलती को स्वीकार कर रहा है, वो स्पष्ट कह रहा है मुझे हत्या के अपराध से छुड़ा दे, मेरे अपराधों को माफ कर। ये होती है सच्ची तौबा, सच्चा पश्चाताप, मन को फिराना। यानी कि उसने कहा प्रभु जी मेरे से गलती होगी, मैं माफी मांगूंगा, आगे से गलती नहीं करूंगा। और परमेश्वर ने तभी उसको क्षमा किया। फिर उसका उसकी पत्नी का जो पहला बच्चा जो है नहीं बचा, और उसके बाद जो दूसरा बच्चा हुआ परमेश्वर ने उस बच्चे को आशीष दिया, उसको बढ़ाया, उसका नाम राजा सुलेमान, और दाऊद के बाद उसका वही गद्दी पर बैठा। आप भी जब सच्ची तौबा कर लेते हो, दुनिया के कामों से, दुनिया की बातों से मन को फिरा लेते हो, दुनियावी सोच से, दुनियावी बातों, दुनियावी कामों से मन फिरा लेते हो, कोई भी अपनी बुराई से, दुनिया के पापों से, जो भी काम होते हैं, गलतियां होती हैं, उससे पाप मन फिरा लेते हो। सच्ची तौबा जब आप कर लेते हो, परमेश्वर आपको क्षमा कर और आपका राजा दाऊद की तरह आपको ऊंचा उठाएगा। पर कितने लोग आजकल करते क्या है, पाप से मन नहीं फिरा, बुराई से मन नहीं फिरा, बुराई भी साथ साथ चलती रहती है और साथ साथ वो सेवा भी करते हैं, प्रार्थना भी करते हैं, वचन भी पढ़ते हैं। याद रखिए जब आपके जीवन पाप होगा, बुराई होगी, आपकी सेवा, आपकी प्रार्थना, आपका दान चंदा कबूल नहीं होगा। कितने लोग जो फॉर्मेलिटी के तौर पे मसीह कहलाते हैं, पर उनके जीवनों में सच्चा पश्चाताप अभी होता नहीं। अगर हम 2 इतिहास 7:14 पढ़े, 13:14 को पढ़े, यदि मैं आकाश को ऐसा बंद करूं, देखिए परमेश्वर यहाँ पर क्या कहता है, यदि मैं आकाश को ऐसा बंद करूं कि वर्षा ना हो, या टिड्डियों को देश उजाड़ने की आज्ञा दूं। देखिए परमेश्वर जी कहते हैं टिड्डियों को मैं देश को उजाड़ देने की आज्ञा दूं। अभी भी आप देख रहे हैं कितने स्टेटों में जो टिड्डियां जो हैं आक्रमण कर रही हैं। ये सब कुछ पहले ही बाइबल के अंदर लिखा हुआ है। और याद रखिए टिड्डियों को जीवित परमेश्वर के सिवा कोई नहीं भेज सकता। परमेश्वर कहता है अगर मैं टिड्डियों को इस देश को उजाड़ देने की आज्ञा दूं, या अपनी प्रजा में मरी फैलाऊं, अगर अपनी प्रजा में मरी फैलाऊं, यानी कि जिस दुनिया में जैसे कोरोना वायरस फैला हुआ है, इसका दोष चाहे आप किसी भी कंट्री पे लगा दो, पर जीवित परमेश्वर के सिवा किसी कोई दूसरी ताकत नहीं जो ऐसे वायरस को फैला दे। देखिए मरी का तो बाइबल में सालों साल पहले लिखा हुआ है। परमेश्वर कहता है अगर मैं अपनी प्रजा के बीच में ये टिड्डियों का दल फैलाऊं और मरी फैलाऊं, तब यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं दीन होकर प्रार्थना करें। देखिए अगर इतने संकट का समय आ जाए, अगर मेरी प्रजा के लोग दीन होकर प्रार्थना करें, ये हमारे देश में दूसरे देशों में जो कोरोना वायरस फैला हुआ है, इसका हल जो है दुनियावी किसी तरीके से नहीं निकल सकता, सिर्फ सच्चे परमेश्वर के पास इसका सलूशन है। अगर दुनिया के
के लोग, हिंदुस्तान के लोग, दूसरे देशों के लोग परमेश्वर के सामने झुक कर दीन होकर प्रार्थना करें और मेरे दर्शन के खोजी हों, लेकिन मेरे दर्शन के खोजी हों, यानी कि दुनिया के लोग मुझे कबूल करेंगे मैं परमेश्वर हूँ, दुनिया के लोग जैसे मुझे भूल गए, कोई मेरे दर्शन की खोज नहीं, अगर लोग मेरे दर्शन की खोज करें, मेरे वचन की खोज करें, मेरी जो है संगति की खोज करें और अपनी बुरी चाल से फिरें। देखिए कितनी बड़ी बात परमेश्वर ने जिसके आप हम ऊपर चर्चा कर रहे हैं, और अपनी बुरी चाल से फिरें। परमेश्वर ये दो काम जरूर करवाना चाहते, बुरी चाल से फिरें, बुरी चाल से तो फिरना ही फिरना है, यानी कि अपने बुरे कामों को तो छोड़ना ही छोड़ना है, अपनी बुरी चाल से फिरना ही फिरना है। जब भी आप चाहते हैं कि परमेश्वर का भड़का हुआ क्रोध जो है शांत हो जाए, आपको बुरी चाल से फिरना है, ये चेक करना है कि मेरे जीवन में कौन सी बुरी चाल, ये चेक करना है कि मेरे घर परिवार में कौन सा बुरा काम, ये चेक करना है हमारे देश में, दूसरे देशों में, हमारे घर परिवार में, हमारे समाज में कौन सा बुरा काम। परमेश्वर कहता है मेरे दर्शन के खोजी हो तीन होकर मुझसे प्रार्थना और साथ ही साथ अपनी बुरी चाल से फिर, यानी कि सच्चा पश्चाताप करना, बुराई से फिरना, अपने मन को बुराई से मोड़ना, यानी कि सच्ची तौबा करनी है। तो मैं स्वर्ग में से सुनकर उनका पाप क्षमा करूंगा। तो परमेश्वर जी कहते हैं मैं स्वर्ग से उनकी सुनूंगा और उनका पाप क्षमा कर दूंगा। देखिए सरकार ने ये लॉकडाउन के बाद सबसे पहले क्या खोला है, शराब के ठेके, जिस काम को परमेश्वर बिल्कुल पसंद नहीं करता, पर सरकार ने सबसे पहले ठेकों को खोला, यही चीजें परमेश्वर को अच्छी, हमारे देश को, हमारे समाज को ये सोचना, दुनिया के देशों को ये सोचना कि परमेश्वर ने इतनी बड़ी महामारी क्यों डाली, उसके पीछे परमेश्वर किस बात से गुस्सा, अपनी बुरी चाल को छोड़ कर कहां कहां किस किस बातों से परमेश्वर का गुस्सा। देखा कि परमेश्वर जी कहते हैं कि मैं स्वर्ग से सुनकर उनके पाप को क्षमा कर दूंगा और उनके देश को ज्यों का त्यों कर दूंगा, और उनके देश को ज्यों का त्यों कर दूंगा, उनके समाज को, उनकी मार्केट को, उनके लोगों को ज्यों का त्यों कर दूंगा। जैसे हमारे देश के लोग पहले आपस में जैसे मिला जुला करते थे, बाजार में मार्केट में जाया करते थे, बड़ी बड़ी मीटिंग, बड़ी बड़ी भीड़ हुआ, परमेश्वर कहता है कि अगर आप झुक जाओ, अपनी बुरी चाल से फिर जाओ, तो मैं तुम्हारे देश को ज्यों का त्यों कर दूंगा, तुम्हारे समाज को ज्यों का त्यों कर दूंगा। पर लोग अपनी बुरी चाल को छोड़ना चाहते हैं, अपने पश्चाताप करना चाहते हैं, मन को फिराना चाहते हैं, बुरे कामों को छोड़ना चाहते हैं, परमेश्वर की तरफ फिरना चाहते हैं। परमेश्वर जिन बातों को पसंद करता है वो करते हैं, इसलिए परमेश्वर का गुस्सा जो है टलता नहीं। अगर हम यर्मिया 18 अध्याय, अगर 18 अध्याय उसकी 7-8 पे, जब मैं किसी जाति या राज्य के विषय में कहूं कि उसे उखाड़ूंगा या ढा दूंगा अथवा नाश करूंगा, तब यदि उस जाति के लोग, समाज के बारे में, किसी देश के बारे में, किसी व्यक्ति के बारे में कहा है कि मैं इसका नाश करूंगा, अगर वो समाज, वो व्यक्ति, वो देश अपनी बुराई से फिर जाए, अपने मन को बुराई से फिरा ले, अपने जीवन को बदल ले, अपने जीवन की बुरी चाल छोड़ दे, तो परमेश्वर कहता है जो मैंने उनकी हानि के ठाने, हानि के बारे में जो सोचा है, उसके बारे में ठाना है, उससे पछताऊंगा, मैं उससे पछताऊंगा, यानी कि मैं अपना फैसला बदल लूंगा, यानी कि मैं उनको फिर नाश ना करूंगा।
अगर इंसान बदल जाए, उसके विचार बदल जाए, उसकी सोच बदल जाए, उसके बुरे मार्ग बदल जाए, जब अपने परमेश्वर की तरफ आ जाए, परमेश्वर ने उसके लिए जो हानि ठानी है, बाइबल में परमेश्वर कहते हैं मैं उसे अपने विचार को बदल लूंगा। अगर होशे 5 अध्याय उसकी 4 आयत में पढ़े, उनके काम उन्हें अपने परमेश्वर की ओर फिरने नहीं देते, क्योंकि उनका छिनाला करने वाली आत्मा उनमें रहती है और वे यहोवा को नहीं जानते हैं। परमेश्वर कहता है उनके जो बुरे काम वो करते हैं, उनके बुरे काम ही उनको परमेश्वर की ओर फिरने नहीं देते। अगर इंसान परमेश्वर की ओर फिरना चाहे, परमेश्वर की संगत में आना चाहे, परमेश्वर को प्रेम करना चाहे, परमेश्वर को आदर देना चाहे, उन लोगों के बुरे काम जो उनके जीवन में है, उनके समाज में जो बुरे काम है, उनके घर के जो बुरे काम है, उनको फिरने नहीं देते। उनके बीच में छिनाला करने वाली आत्मा रहती है, यानी कि उनके बीच में एक ऐसी आत्मा रहती है जो परमेश्वर के उनको मुड़ने नहीं देती। अगर हम अमोस 4 अध्याय की 6 आयत से पढ़ें, मैंने तुम्हारे सब नगरों में दांत की सफाई करा दी। देखिए परमेश्वर क्या कहता है, मैंने तुम्हारे नगरों में दांतों की सफाई करा दी और तुम्हारे सब स्थानों में रोटी की घटी की है। तुम्हारी सब जगह पर मैंने रोटी की घटी करी है, यानी कि तुम्हें रोटी के लिए दर दर भटकना पड़ा, तुम्हें रोटी नहीं मिलती। देखिए जैसे पिछले दिनों में कितने दिनों का लॉकडाउन चला, लोगों को रोटी के लिए खाने के लिए कितने कितने भटकना पड़ा। परमेश्वर कहते हैं मैंने तुम्हारे समाज में रोटी की घटी करी, खाने पीने की वस्तु की घटी करी, तो भी तुम मेरी ओर फिर कर न आए। इतना संकट देखने के बावजूद भी तुम मेरी ओर मुड़कर ना आए, तुमने मुझे याद नहीं, तुमने पश्चाताप नहीं, कि देखो इतना समाज में दुख है, मरी है, तकलीफ है, हम परमेश्वर की ओर मुड़ जाएं। इतने समाज में संकट है, चलो परमेश्वर की ओर मुड़ जाएं। मैंने तुम्हारे समाज में रोटी की घटी करी पर तुम फिर भी मेरी ओर मुड़कर ना आए। यहोवा की यही वाणी है, और जब कटनी के 3 महीने रह गए तब मैंने तुम्हारे लिए वर्षा न की, मैंने एक नगर में जल बरसा कर दूसरे में न बरसाया, एक खेत में जल बरसा और दूसरा खेत जिसमें न बरसा वह सूख गया, इसलिए 2-3 नगरों के लोग पानी पीने को मारे मारे फिरते हुए एक ही नगर में आए परंतु तृप्त न हुए, तो भी तुम मेरी ओर न फिरे। देखिए परमेश्वर जी कहते हैं मैंने तुम्हारे समाज में पानी की घटी, एक जगह पानी भेजा दूसरी जगह वर्षा ना करी, एक जगह वर्षा हुई दूसरी जगह ना हुई, तुम मारे मारे जगह जगह फिरते रहे कि उधर से पानी ले आओ उधर से पानी ले आओ, पर फिर भी तुम मुड़कर मेरी ओर ना आए। मैंने सोचा कि किसी तरह से आपके ऊपर कोई तकलीफ डालू परेशानी डालू ताकि तुम मेरी ओर मुड़कर आ जाओ, ताकि तुम पश्चाताप करो, ताकि तुम अपने मनों को फिरा लो, ताकि तुम बदल जाओ, पर अफसोस कि तुम मेरी ओर मुड़कर ना आए। यहोवा की यही वाणी है, मैंने तुमको लहू और गेरुई से मारा है और जब तक तुम्हारी वाटिकाएं और दाख की बारियां और अंजीर और जलपाई के वृक्ष बहुत हो गए तब टिड्डियां उन्हें खा गईं, तो भी तुम मेरी ओर फिर कर ना आए। जब तुम्हारी फसलें पक्की हो, पेड़ों में अच्छे फल लग गए, मैंने टिड्डियों को भेजा कि तुम्हारी फसलों को जो है टिड्डियां आकर खा जाए, तुम्हारी फसलों को आकर टिड्डियां खा भी गई, फिर भी तुम मेरी ओर मुड़कर ना आए। देखिए हमारे हिंदुस्तान में और कितने दूसरे स्टेट्स में जो है टिड्डियां आकर कितना आक्रमण कर रही, कितनी फसलों को खा रही, समाज के लोग हमारी सरकार के लोग जो है दुनियावी तरीके तो अपना रहे हैं कि किस तरीके से टिड्डियों को बाहर फेंक दो, किस तरीके से टिड्डियों के लिए कोई छिड़काव कर दो, उनके ऊपर स्प्रे कर दो, यानी कि परमेश्वर की ओर मुड़कर नहीं आ रहे।
देखिए परमेश्वर साफ है, तुम्हारे फलों के ऊपर, तुम्हारी सब्जियों के ऊपर, तुम्हारी फसलों के ऊपर टिड्डियां भेजी। मैंने तुम्हारे फलों के ऊपर, सब्जियों के ऊपर जो है फसलों में टिड्डियां भेज दी, ताकि तुम किसी रीति से मुड़कर आ जाओ। तब पर तुम फिर भी मुड़कर ना आए, तो भी तुम मेरी और फिर कर ना आए, यहोवा की यह वाणी है। मैंने तुम्हारे बीच में मिश्र देश की सी मरी फैलाई, मैंने तुम्हारे घोड़ों को छिनवा कर तुम्हारे जवानों को तलवार से घात करा दिया, और तुम्हारी छावनी की दुर्गंध तुम्हारे पास पहुंचाई, तो भी तुम मेरी ओर फिर कर ना आए। देखिए परमेश्वर साफ कहता है, मैंने तुम्हारे बीच में मरी फैलाई, जैसे आज के पूरी दुनिया में, पूरे संसार में मरी फैली। अब ये लोग ये मानने को थोड़ा तैयार है कि जीवित परमेश्वर ने, बस वो दुनियावी तरीके अपना रहे कि किसी तरीके से वैक्सीन मिल जाए, इंजेक्शन मिल जाए, कोई दवाई तैयार हो जाए, पर असली जो जड़ है उसके पास नहीं। परमेश्वर कहता है, मैंने तुम्हारे बीच में मरी फैलाई, पर तुम मुड़कर ना आए। अभी पश्चाताप करने का समय, हमारे देश को, हमारे समाज को, हमारे लोगों को पश्चाताप करने का समय, अपने अपने मनों को फिराने का समय। कि देखिए इतनी बड़ी महामारी जो दुनिया में फैल रही है, अगर दुनिया के लोग परमेश्वर के सामने झुक जाएं, परमेश्वर को कह दे कि परमेश्वर मान गए कि तू सच्चा परमेश्वर, प्रभु यीशु सच्चा परमेश्वर है, वो परमेश्वर हम अपने आप को तेरे हाथों में, हमारे बस की बात नहीं कोरोना वायरस को दूर करने की, हमारे बस की बात नहीं टिड्डियों को दूर करने की, परमेश्वर के हाथों में सब चीजों का रिमोट है। मैंने तुम में से कई एक को ऐसा उलट दिया जैसे परमेश्वर ने सदोम और अमोरा को उलट दिया था, और तुम आग से निकाली हुई लुकटी के समान ठहरे, तो भी तुम मेरी ओर फिर कर न आए। परमेश्वर कहते हैं, मैंने तुम्हारे बीच में से कितने लोगों को उलट दिया, पर तो भी तुम मेरी ओर ना आए। परमेश्वर कहते हैं, जैसे मैंने सदोम और अमोरा को उलट दिया, आग से उनका नाश कर दिया, कितने लोगों को तुम्हारे बीच में से नाश किया, कितने लोगों बीच में आग लगाई, कितनी समाज में आग जली, तो भी तुम मेरी ओर मुड़कर ना आए। अभी हम योना के चैप्टर में एक और दो चैप्टर में जैसे पढ़ते हैं, उसमें क्या है, परमेश्वर ने अब योना को बोला कि नींद में क्यों जा, पर वो परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ के तर्शीश को जा रहा। जब तर्शीश की ओर जा रहा, परमेश्वर की आज्ञा को उसने तोड़ दिया, समुद्री जहाज में बैठा हुआ, जब समुद्र के बीच में जहाज में बैठा तो बीच में जाते थे, क्या हुआ, समुद्र में बड़ी लहरें उठ पड़ी, काफी और भी यात्री बैठे हुए, वो जहाज डूबने को था, सब यात्री देखकर डर गए कि ऐसा क्यों हो रहा। उन्होंने कोशिश की कि जहाज को किनारे पे, पर ऐसा वो कर नहीं। फिर उन सारे यात्रियों ने चिट्ठी डाली, सो वो सभी जो यात्री थे अपने अपने देवता, अपने अपने परमात्मा से प्रार्थना करने लगे कि जिसकी गलती से ये जहाज ऐसे डूब रहा है, उसकी पर्ची उनके नाम निकल जाए। अब लिखा है, पर्ची योना के नाम निकली। फिर उन्होंने योना नबी को पूछा कि तूने कोई गलती करी है, तू कहां का है। उसने स्पष्ट कहा, मैं जीवित परमेश्वर यहोवा का डर मानता हूं, और मुझे परमेश्वर नहीं भेजा, मुझे परमेश्वर ही नींद में को भेजा था, पर मैं तर्शीश को जा रहा हूं। उन्होंने कहा कि बता अब क्या किया जाए। योना ने ये नहीं कि मैं परमेश्वर से माफी मांग लेता कि मैंने गलती करी, बल्कि ये कह दिया कि मुझे उठा के समुद्र में गिरा दो। अब योना के लिए कितना सुनहरी मौका था, वो जहाज में वहीं पर घुटने टेकता, परमेश्वर से माफी मांग लेता कि परमेश्वर मेरे से गलती करी, कान पकड़ लेता, अपने मन को फिरा लेता। परमेश्वर तो विलंब से कोप करने वाला, वो तो क्षमा करने वाला, वो तो किसी को नाश करके खुश नहीं होता,
योना के चौथे चैप्टर में लिखा है कि वो किसी को दुख देने से खुश नहीं होता, पर योना ने जहाज में माफी नहीं मांगा। उन लोगों ने, यात्री ने क्या किया कि योना के कहने से उसको समुद्र में गिरा दिया और परमेश्वर दयालु है, परमेश्वर ने फिर भी उसको बचाने के लिए उपाय किया। एक मगरमच्छ को बोला कि ऊपर से मेरा एक नबी गिरेगा, उसको तूने मुंह में से लेकर अपने पेट में रख लेना। मगरमच्छ को ठहराया था परमेश्वर, मगरमच्छ ने ऐसा ही किया। जब योना को ऊपर से गिराया गया, मगरमच्छ ने योना को अपने मुंह से लेकर पेट में रख लिया। अब योना नबी जो है मगरमच्छ के पेट में 3 दिन 3 रात रहा। बाइबल में लिखा है वो मगरमच्छ के पेट में बैठा तोबा कर रहा है। देखिए उसको अंदर ना तो नाश्ता मिल रहा ना लंच मिल रहा, ना उसको कपड़े बदलने को मिल रहा, अंदर बैठा तोबा कर रहा है। अगर अच्छा दबाव जहाज में ही तोबा कर लेता कि हो सकता है उसको ज्यादा समस्या का सामना ना करना पड़े, उसको प्रॉब्लम ना आती, उसको मगरमच्छ के पेट में ना जा सकता। सो जब उसने मगरमच्छ के पेट में तोबा करी, परमेश्वर ने उसकी तोबा को ग्रहण किया, परमेश्वर ने उसकी सोच उसके विचारों को देखा। बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर ने मगरमच्छ को आज्ञा दी कि इसको समुद्र के किनारे गिरा दे। अब मगरमच्छ जो है समुद्र के किनारे पे योना नबी को गिरा रहा है। देखिए परमेश्वर कितना दयालु है। क्या मगरमच्छ के पेट में जाके कोई जिंदा निकल सकता है? पर योना को जिंदा निकाला गया। अब एक चीज देखिए, योना अगर बाहर ही तोबा कर लेता, इतनी समस्या का सामना क्यों करता? कई लोग ऐसे होते, समाज में कितने लोग ऐसे, कितने मसीह लोग भी ऐसे, कितने संसारिक लोग भी ऐसे होते हैं। जब तक वो सुख में होते हैं तब तक तोबा नहीं करते, तब तक वो परमेश्वर के गुस्से को समझते हैं, तब तक वो परमेश्वर के वचन पर चलना पसंद नहीं करते, परमेश्वर के सेवक के समझाएं तो समझते नहीं। और जब उनके ऊपर समस्या कोई आ जाए, मगरमच्छ के पेट भी जब किसी भी गंभीर बीमारी में पड़ जाते हैं या किसी गंभीर समस्या में पड़ जाते हैं, कोई पुलिस केस कोर्ट केस हो जाता है, तब वो तौबा करते हैं। योना की तरह मगरमच्छ के पेट में जाके तौबा करते हैं। आप जब सही हो तो सच्चे दिल से परमेश्वर से तौबा करो। आपको लगता है आपके जीवन से आपके परिवार से बीमारी जा नहीं है, आपको लगता है कि आपका काम अच्छा चल नहीं है, सच्चे दिल से कान पकड़ लो, परमेश्वर के सामने तौबा करो। चेक करिए कि आपके जीवन में कहां गलती है, कहीं आपने परमेश्वर के वचन को तोड़ा, कहीं आपने सेवकों की बातों को तोड़ा, आपको समझ नहीं आ रहा आपने सेवकों से कि हमसे कहां गलती है, कहां पर प्रभु का वचन टूटा है। कितने लोग जो है मगरमच्छ के पेट में जाकर और ऐसी गंभीर बीमारी में आकर तौबा करना चाहते हैं। परमेश्वर ने योना को माफ कर दिया। जब वो सच्चे दिल से परमेश्वर की ओर मुड़ा, दीन में के लोगों के बारे में जब हम योना 3 अध्याय उसकी 8 आय से लेकर 10 आय तक दीन में के लोगों में जाकर योना अभी जहां वहां पर जाके ढिंडोरा पिटने लगा, बताने लग गया कि परमेश्वर 40 दिन के बीतने पर आपके इस शहर को पलटने जा रहा है, तुम्हारे बुरे कामों से परमेश्वर दुखी हो गया है। बाइबल में लिखा है कि वहां की प्रजा, वहां के राजा समेत सारे लोग जो झुक गए, सभी के सभी लोग रोजे में बैठ गए, और एक और उन्होंने खास बात कही, अपनी बुराइयों से वो तौबा कर रहे हैं, अपनी बुराइयों से वो तौबा कर रहे हैं, माफी मांग रहे हैं, परमेश्वर के सामने कबूल कर रहे हैं कि परमेश्वर हमसे गलती हो गई, हमको क्षमा कर दो, परमेश्वर से अपने बुरे कामों के लिए माफी मांग रहे हैं, यानी कि वो बदल रहे हैं, अपनी सोच को बदल रहे हैं, अपने विचारों को बदल रहे हैं, अपनी आदतों को बदल रहे हैं। बाइबल में लिखा है कि जब परमेश्वर ने देखा उनके कामों
अपने विचारों को बदल रहे हैं, अपने कामों को बदल रहे हैं। परमेश्वर ने देखा कि ये लोग जो बदल रहे हैं, लिखा है कि परमेश्वर ने अपनी इच्छा बदल दी। परमेश्वर ने जो उनकी हानि करने की ठानी, बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर ने अपनी इच्छा बदल दी और उनकी हानि ना करी और उन्हें सच्चे दिल से तौबा करी। परमेश्वर ने उनके सच्चे दिल की गई तौबा को देखा और लिखा है परमेश्वर ने अपनी इच्छा बदल दी। चेक नहीं कर सकता, पर परमेश्वर आपके दिल दिमाग को चेक करता है। तो परमेश्वर लिखा है नीनवे के लोगों को बचा लिया, उनकी जो हानि करने की ठानी थी वो ना की। अगर हम हागे दो अध्याय उसकी 17 आयत में पढ़ें, मैंने तुम्हारी सारी खेती को लूह और गरोई और ओलों से मारा तो भी तुम मेरी ओर न फिरे। देखिए परमेश्वर क्या कहते हैं, मैंने तुम्हारी सारी फसलों को लूह से मार दिया, गरोई यानी कि बददी से उसको नाश कर दिया, फफूंदी से उसको नाश कर दिया यानी कि ओलों से नाश किया, ताकि तुम मेरी ओर मुड़ जाओ पर तुम मुड़कर ना आए। परमेश्वर जो इस संसार में समस्या आने देता है, आपके घर में जो कोई प्रॉब्लम आने देता है, परमेश्वर का मकसद होता है कि आप मुड़ जाओ। परमेश्वर का मकसद ये नहीं होता कि आप नाश हो जाओ। परमेश्वर चाहता है आप मुड़ जाओ, सच्ची तौबा करो, पश्चाताप करो, अपने मन को फिरा दो। और जब हम नए नियम की किताब देखते हैं, मत्ती 3 की पहली आयत में देखते हैं, यूहन्ना बपतिस्मा दाता ने भी मन फिराव का प्रचार किया। मत्ती अगर 4:17 में देखते हैं, प्रभु यीशु मसीह ने भी मन फिराव के प्रचार से ही अपना काम शुरू किया, यानी कि मन को फिराना, अपने मन को अपने मन को दुनिया के कामों से फिराना है और उसके बाद परमेश्वर आपको पसंद करता है। और जब मत्ती 27 अध्याय उसके 3-5 आयत में देखते हैं, यहूदा ने जब प्रभु यीशु मसीह को 30 चांदी के सिक्कों में जब दे दिया था, यानी कि बता दिया था, 30 चांदी के सिक्कों में पकड़वा दिया था विरोधियों को, जब यहूदा को पता चला, जब यहूदा इस्क्रियोती को पता चल गया इस बात के बारे में कि मैं निर्दोष को ही विरोधियों के हाथ में पकड़वा दिया, जब उसके पकड़वाने वालों ने यहूदा को देखा कि वह दोषी ठहराया गया है तो वह पछताया। जब उसके पकड़वाने वाले यहूदा ने देखा कि वह दोषी ठहराया गया है, जब यहूदा ने देखा कि प्रभु यीशु को दोषी ठहराया गया है तो वह पछताया और वे तो वह लिखा तो उसको यहूदा इस्करियोती को भी पछताप हुआ, यानी कि उसको भी मन में लगा कि मैंने गलती कर दी है, और वे 30 चांदी के सिक्के महायाजकों और पुरनियों के पास फेर लाया और कहा, मैंने तो निर्दोषी को घात के लिए पकड़वा कर पाप किया है। देखिए वो 30 चांदी के सिक्के जो थे महायाजकों के पास फिर से लेकर आया कि मैंने निर्दोष को पकड़वा दिया। उन्होंने कहा, हमें क्या, तू ही जान। तब वह उन सिक्कों को मंदिर में फेंक कर चला गया और जाकर अपने आप को फांसी दी। देखिए उसको अपनी गलती का पश्चाताप तो हुआ, 30 चांदी के सिक्के वो जो है वहीं पर मंदिर में गिरा दिया गया और उसने गलती कर दी और उसने अपने आप को फांसी पे चढ़ा दिया, जबकि उसको क्या करना चाहिए था फांसी लगाने से पहले, उसको चाहता था प्रभु यीशु मसीह से माफी मांग ले कि मैंने गलती कर दी, मैंने पश्चाताप करता हूँ। उसने ये नहीं किया, पछताया जोर, मन में पश्चाताप जोर हुआ पर उसने अपने आप को फांसी लगा ली। सो उसको कहना चाहिए था प्रभु यीशु मसीह से जाकर माफी मांग लेता। यहाँ पर भी
यहूदा पछताया तो जोर। अगर हम लूका 5 अध्याय उसकी 32 आयत में पढ़े, देखिए प्रभु यीशु मसीह जी क्या कहते हैं, मैं किनको बुलाने आया, मैं धर्मियों को नहीं परंतु पापियों को मन फिराने का के लिए बुलाने आया। देखिए प्रभु यीशु मसीह जी क्या कहते हैं, मैं धर्मियों को नहीं बुलाने आया, मैं पापियों को मन फिराने के लिए बुलाने आया हूं। यानी कि पापी लोगों को मन फिराने की जरूरत है। तो प्रभु जी कहते हैं कि मैं धर्मियों को नहीं पापियों को मन फिराने के लिए आया। अगर हम लूका 15 अध्याय उसके 18-19-20-21 में देखें, छुटके बेटे ने जब अपने बाप से संपत्ति मांगी कि मेरे को मेरी प्रॉपर्टी का हिस्सा दे दो, सो बाप ने अपने बेटे को प्रॉपर्टी का हिस्सा दे दिया और वो दूर देश को चला गया। उधर जाके अपने संपत्ति अपने धन दौलत को गलत कामों में खराब कर दिया। उसके पास कोई पैसा ना रहा, कोई रोजगार ना रहा, सो उसको सूअर चराने का काम मिल गया। और सूअर जो खाना खाया करते थे वही उसको खाने को मिलता था। बाइबल में लिखा जब उसको होश आया उसने पश्चाताप किया कि मेरे पिता के घर में इतना खाने पीने का इतनी बढ़िया सुविधा है, इतने मेरे पिता के घर में नौकर चाकर हैं जो मेरे से बढ़िया खाना खाते हैं, मैंने तो कितनी बड़ी गलती कर दी, अपने पापा से मैं दूर आ गया, क्यों ना मैं वापिस अपने पिता के पास जाऊं। जब उसने मन फिरा दिया पश्चाताप कर लिया, सो वो चल पड़ा वहां से अपने पिता के पास वापिस आ गया। वो पिता कितना अच्छा था, अपने बेटे को हर रोज ढूंढा करता हो या रोज उसका इंतजार किया करता और उसके लिए प्रार्थना करता। पिता ने जब दूर से ही बेटे को देखा, लिखा है बाइबल में कि उसने उसको गले लगा दिया, यानी कि पिता ने उसको डांटा। उसने ये नहीं कहा कि तू अपनी प्रॉपर्टी लेके चला गया, आप जहां मर्जी जा। तो ये भी नहीं सोचा, उसने ये भी नहीं कहा कि जितना पैसा मैंने तेरे को प्रॉपर्टी दी थी वहां कहां पर है। उसको ये भी नहीं कहा कि जो भी तेरे नुकसान हुआ चलो छोड़। सेवकों को उसने पिता ने बुला के कहा कि इसको अच्छी से अच्छी वस्त्र पहनाओ, अंगूठी पहनाओ, अच्छे कपड़े पहनाओ, पला हुआ बछड़ा ला कर मारो, यानी कि पिता ने उसको कुछ नहीं कहा कि तूने इतने मेरी प्रॉपर्टी का नष्ट कर दिया, इतनी प्रॉपर्टी मेरे से लेकर चला गया। उसने आकर अपने पिता से माफी मांगी, यानी कि पश्चाताप किया। मैं अब उठकर अपने पिता के पास जाऊंगा और उससे कहूंगा कि पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरोध में और जो तेरी दृष्टि में पाप किए हैं, अब मैं इस योग्य नहीं रहा कि तेरा पुत्र कहलाऊं। देखिए पुत्र ने स्पष्ट आके माफी मांगी, स्पष्ट पश्चाताप किया। पिता को क्या कहा, मैंने तेरे विरोध में और स्वर्ग के विरोध में पाप किया, जो तेरी दृष्टि में अच्छा नहीं था मैंने वो किया। जब आप इंसानों के प्रति पाप करते समझो आप स्वर्ग के प्रति भी पाप करते। आप ये ना सोचना अपने माँ बाप को मार दिया कूट दिया उनको घर से बाहर कर दिया, आपने परमेश्वर के प्रति भी पाप किया। आगे छुटका बेटा क्या कह रहा है, अब मैं इस योग्य नहीं रहा कि तेरा पुत्र कहलाऊं। देखिए कितना झुक गया वो, अब मैं इस योग्य नहीं रहा कि तेरा पुत्र कहलाऊं। मुझे अपने एक मजदूर की नाई रख ले। तब वह उठकर अपने पिता के पास चला गया। अभी वह दूर ही था कि उसके पिता ने उसको देखकर तरस खाया और दौड़कर उसे गले लगाया और बहुत चूमा। पुत्र ने उससे कहा, पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरोध में और तेरी दृष्टि में पाप किया है और इस योग्य नहीं रहा कि तेरा पुत्र कहलाऊं। परंतु पिता ने अपने दासों से कहा, फट अच्छे से अच्छा वस्त्र निकाल कर उसे पहनाओ, उसके हाथ में अंगूठी और पांव में जूतियां पहनाओ। देखिए छुटके बेटे ने अपने पिता से स्पष्ट माफी मांगी, स्वर्ग का परमेश्वर आपको तब क्षमा करेगा जब आप जमीन के लोगों से भी माफी मांगेंगे जिनके प्रति आपने गलती कर दी, जिनके प्रति आपने धोखा किया।
देखिए छुटके बेटे को पिता ने माफ कर दिया क्योंकि वो उसका पिता था। उसी तरह से आज हमारा परमेश्वर क्या कहता है, मसीह लोगों के लिए जो प्रभु के साथ ठीक नहीं चलते या अन्य जाति लोगों को, परमेश्वर क्या कहता है, मेरे पास आ जाओ, बेशक तुमने मेरा कितना भी नुकसान किया, मेरे सेवकों को मारा कूटा उन पर दोष लगाया, उनको जेल में बंद कर रहा है, उनके ऊपर खाम खा दोष लगाया, मेरे घर के घर जलाए, तुमने मेरी कलीसिया को सताया, पर परमेश्वर उनसे क्या कहता है, छुटके बेटे के बाप की तरह तुम मेरे पास वापिस आ जाओ। जब छुटका बेटा अपने बाप के पास वापिस गया, परमेश्वर दुनिया के लोगों को, उन अन्य जाति लोगों को, उन मसीह लोगों को जो अपने आप को मसीह के नाते पर वचनों पर नहीं चलते, उनके लिए यही कहता है, परमेश्वर कहता है तुमने मेरा बेशक कितना भी नुकसान किया, बेशक मेरे सेवकों के खिलाफ कितना भी चले, मेरे कलीसिया को कितना सताया, मेरे भवन कितने जलाए, पर तुम झुक कर मेरी ओर आ जाओ, मेरे कदमों में आ जाओ, मन को फिरा लो, सच्चा पश्चाताप कर, मैं तुम्हें क्षमा करने को तैयार हूँ, मैं तुम्हें अपने बच्चा संतान बनाने के लिए तैयार हूँ। लूका 19 अध्याय 8 और 9 आयत में जब पढ़े, जब प्रभु यीशु मसीह को देखने के लिए जगई जो है गुल्लड़ के पेड़ पे चढ़ गया, जब प्रभु यीशु मसीह ने जगई को देखा, जगई को क्या कहा, पेड़ से नीचे उतरा, आज मुझे तेरे घर पे चलना, जगई नीचे आ गया, प्रभु यीशु मसीह को अपने घर पे ले गया, प्रभु यीशु मसीह को जब घर पे ले गया, देखो वहां पर जाके उसका मन कितना हम्बल हो गया, यानी अपने मन को कैसे बदल लिया। जगई ने खड़े होकर प्रभु से कहा, हे प्रभु देख मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों को देता हूँ। देखो अपने मन को कैसे उसने फिरा लिया, जो कितना पाप किया कर, परमेश्वर को दुखी किया, परमेश्वर फिर भी उसके घर गए, और जब प्रभु यीशु उसके घर गए, जगई क्या कह रहा है प्रभु से, मैं अपनी आधी संपत्ति को कंगालों में बांट देता हूँ। इसको बोलते सच्चा पश्चाताप। और क्या कहा, और यदि किसी का कुछ भी अन्याय करके ले लिया तो उसे चौगुना फेर देता हूँ। अगर मैंने अपनी ड्यूटी के दौरान, काम करने के दौरान किसी का अन्याय करके कुछ ले लिया हो, किसी का पैसा लूट लिया, किसी से रिश्वत ले लिया, तो उसको चौगुना करके मैं वापिस कर देता हूँ। सच्चा पश्चाताप, इतना अपने आप को बदल लिया, इतना अपने आप को झुका लिया। तब प्रभु यीशु ने क्या कहा, तब यीशु ने उससे कहा, आज इस घर में उद्धार आया है। हालेलुया। प्रभु यीशु ने क्या कहा, आज इस घर में उद्धार आया है, क्योंकि वो जगई ने अपने आप को बदल लिया, जगई ने अपना मन फिरा लिया, अपनी सोच को बदल, विचारों को बदल लिया। इसलिए कहा कि आज इस घर में उद्धार आया है। अगर आप भी अपने गलत कामों को जो आप करते हो उसको नहीं बदलोगे, तब तक आपकी सेवा कबूल नहीं होगी, आपकी प्रार्थनाएं, आपके दान चंदे कबूल नहीं होंगे। आप जितना मर्जी अपनी बाइबल में से बच्चों के नाम रख लो, जितने मर्जी आप सफेद कपड़े, भव्य कपड़े पहन लो, चाहे आप विश्वासी हो चाहे गैर विश्वासी, चाहे आप प्रभु के दास हो चाहे बिशप हो, जब तक आप अपने जीवनों को बदलोगे, अपनी गलत सोच को छोड़ोगे, गंदे विचारों को छोड़ोगे, गंदे कामों को छोड़ोगे, अपने मन को पूरी तरह से प्रभु की ओर नहीं करोगे, आपका बड़ा नाम, आपकी बड़ी की गई सेवा आपको बचा नहीं पाएगी। देखिए पत्रस ने क्या कहा लोगों को, प्रेरितों के काम 2 अध्याय जब 38 आयत पढ़ते हैं, पत्रस ने जब लोगों के बीच में प्रचार शुरू किया, जब लोगों ने पत्रस को पूछा हे भाइयों हम उद्धार पाने के लिए क्या करें, देखिए पत्रस सबसे बड़ा काम क्या कहा, पत्रस ने उनसे कहा, मन फिराओ और तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले
सबसे पहला काम यही कहा। लेकिन पत्रस ने सबसे पहला काम यही कहा, मन फिराओ, रिपेंट करो, पश्चाताप करो, सच्ची तौबा करो, दुनिया के कामों से, गलत कामों से, गलत बातों से, मूर्ति पूजा से, गलत सोच से, बुराइयों से, पाप से, पहले तौबा कर लो, मन को फिरा लो, और फिर जाकर अपने पापों की क्षमा के लिए परमेश्वर के नाम पे बपतिस्मा, यानी कि जो मत्ती 28 अध्याय उसकी 18 19 20 में लिखा हो, जैसे प्रभु यीशु मसीह ने वहां पर उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। हालेलुया। हम दो तीमोथियुस 2 अध्याय उसकी 24 25 में देखें, प्रभु के दास के लिए यहाँ पर कुछ कहा गया, और प्रभु के दास को झगड़ालू होना न चाहिए, कोई भी प्रभु का दास झगड़ालू ना हो, पर सबके साथ कोमल और शिक्षा में निपुण और सहनशील हो, सहनशील होना चाहिए, और विरोधियों को नम्रता से समझाए, कोई भी विरोधी जो प्रभु का परमेश्वर के वचन का विरोध करता है या परमेश्वर के घर का विरोध करता है उनको नम्रता के साथ समझाए, क्या जाने परमेश्वर उन्हें मन फिराव का मन दे, जब आप उसको नम्रता से समझाओगे हो सकता है परमेश्वर को मन फिराने का अवसर दे, आपके कोमल व्यवहार को देखकर वो बदल जाए। अगर हम 2 पत्रस 3 अध्याय उसकी 9 में देखें, परमेश्वर बिल्कुल नहीं चाहता कोई नाश हो जाए, चाहे वो मसीह है चाहे वो गैर मसीह है, चाहे वो हमारे देश में चाहे वो विदेश में कहीं भी रहता हो, प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता जैसे देर कितने लोग समझते हैं, पर तुम्हारे विषय में धीरज धरता है और नहीं चाहता कि कोई नाश हो, वरन यह कि सबको मन फिराव का अवसर मिले। परमेश्वर बिल्कुल नहीं चाहता कि किसी का नाश हो, पर वो चाहता है सबको मन फिराने का अवसर, तभी तो परमेश्वर की आमद में देरी हो रही है। और कितने लोग कहते हैं प्रभु कब आएगा कब आएगा, याद रखो उसका एक ही उत्तर है, परमेश्वर नहीं चाहता किसी का नाश हो, परमेश्वर चाहता है पहले मेरे सुसमाचार को सारी जगह पर फैला, सब लोगों को बता दो कि मन फिरा लो, बुरे कामों से मूर्ति पूजा से और परमेश्वर की ओर फिर जाओ। अगर हम प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय की 5 में पढ़े, इफिसियों की कलीसिया को क्या कहता है, सोचेत कर कि तू कहां से गिरा है और मन फिरा और पहले के समान काम कर। देखिए यहाँ पर परमेश्वर कलीसिया को क्या कहता है, चेत कर कि तू कहां से गिरा है और मन फिरा, पहले के समान काम करता, तो पहले बढ़िया काम करता, भले काम करता, अच्छी सोच रखता था, अच्छे काम करता था, परमेश्वर को प्रेम करता था, उसी तरह के काम कर, मन को फिरा ले। अगर 2:16 को भी पढ़े, सो मन फिरा, नहीं तो मैं तेरे पास शीघ्र ही आकर अपने मुख की तलवार से उनके साथ लड़ूंगा। यहाँ भी परमेश्वर मन फिराने के बारे में, और भी प्रकाशित वाक्य 2:21-22 में ऐसे भी लिखा हुआ, 3:3 में भी ऐसे लिखा हुआ, यानी कि परमेश्वर कहता है मन फिरा। नीति वचन 28:13 को पढ़ दीजिए, जो अपने अपराध छिपा रखता है उसका कार्य सफल नहीं होता। कोई भी व्यक्ति जो अपनी गलतियों को अपनी बुराइयों को छुपा करके रखता है उसका कार्य सफल नहीं होता। अगर आपने अपने घर में अपने जीवन में पाप को छुपा के रखा आपका कार्य सफल नहीं होगा, आपकी सेवा कबूल नहीं, आपके दान चंदे कबूल ना होंगे। परंतु जो उनको मान लेता और छोड़ भी देता है उन पर दया की जाए। कोई भी व्यक्ति जो अपने पापों को मान लेता है, अपनी गलतियों को स्वीकार कर ले, सिर्फ मानना ही
नहीं काफी है, दूसरा काम क्या करना, उनको छोड़ना भी है। एक तो ये कहना प्रभु जी मेरे से ही गलती हुई, और दूसरा आगे से नहीं होगी। जो कोई अपने अपराधों को मान लेता और छोड़ देता उस पर दया की अगर आप चाहते हैं आपके जिम्मे शांति है, आपके घर में शांति है, अपने अपने एक एक अपराध को मान लो, सच्चे दिल से कबूल करो और आगे के लिए पश्चाताप करो कि प्रभु जी मैं आगे से गलती नहीं करूंगा। अगर हम यशाया 30 अध्याय की 15 में देखें, प्रभु यहोवा इज़राइल का पवित्र यूं कहता है, लौट आने और शांत रहने में तुम्हारा उद्धार है। परमेश्वर क्या कहता है, आपको लौट आने में और शांत रहने में तुम्हारा उद्धार है। अभी भी समय है कि लौट आओ, परमेश्वर के पास आ जाओ, उसके चरणों में आ जाओ, उसके वचनों में आ जाओ, उसके सिस्टम में आ जाओ, इसी में आपका भला है। अगर वो दिन चला गया, अगर वो अनुग्रह का समय चला गया, अभी परमेश्वर की ओर से अनुग्रह का समय चल रहा है, अभी कलीसिया उठाई नहीं, अभी प्रभु यीशु बादलों पर नहीं है, जिस दिन प्रभु यीशु बादलों पर आ गए अपनी कलीसिया को उठा के ले जाए, उसके बाद दो प्रकार के लोग जो जमीन पे, एक तो अन्य जाति लोग जो प्रभु यीशु को बिल्कुल नहीं मानते, और दूसरे वो मसीह लोग जो डुप्लीकेट तौर पे मसीह है। ये दो तरह के लोग जो जमीन पर हैं, उनको 7 साल के लिए महाकलेश में से गुजरना पड़ेगा, इसलिए उनका लौट आने में ही फायदा है। आप चाहे देश में विदेश में इस वचन को सुन रहे हैं, आपको परमेश्वर कहता है कि लौट आओ, अपनी बुराइयों से मन फिराओ, पश्चाताप करो, उन पांच कुमारियों की तरह ना हो जाओ जो तेल लेने गई थी और लेट हो गई, उनको तेल भी नहीं मिला और प्रभु को आके कह रहे कि प्रभु जी द्वार खोल दो, हम भी तेरे साथ जाना चाहते हैं, पर स्वामी ने क्या कहा, अभी दरवाजा बंद हो गया, अभी तुम यहीं पर हो। जिस दिन प्रभु यीशु कलीसिया को ले गया, उसके बाद कितने लोग कहेंगे प्रभु जी हम भी तेरे साथ जाना चाहते हैं, और उसके बाद प्रभु जी कहेंगे अब तेरे लिए रास्ता बंद। जब प्रभु यीशु मसीह इन बादलों पे आकर अपनी कलीसिया को जब उठा के ले जाएगा, उसके बाद अब कितना भी कोई तौबा करे कि प्रभु जी हम भी तेरे साथ जाना चाहते हैं, हमको भी स्वर्ग में ले जा, पर प्रभु यीशु क्या कहेंगे, मैं तो तुझे जानता है, अब कोई रास्ता नहीं, 7 साल के लिए इंतजार कर, इस जगत में रह। योएल 2 अध्याय उसकी 12 में क्या लिखा है, पूरे मन से फिर कर मेरी ओर आओ। योएल नबी क्या कहता है, रोते हो पीटते हुए पूरे मन से मेरी ओर आओ, पूरे मन से फिर कर मेरे पास आओ, पूरे मन से आना है। ऐसा नहीं कि आधा इधर मन आधा उधर मन, कई लोग ऐसे ही होते हैं, कलीसिया के लोग भी ऐसे ही होते हैं, कभी इस चर्च में कभी उस चर्च में, कभी लुधियाना में कभी जलंधर, कभी दिल्ली में कभी पठानकोट। परमेश्वर कहता है पूरे मन से फिर कर आओ, ऐसा नहीं कि साल प्रभु यीशु की भक्ति कर लो, नहीं काम हुआ तो साल दूसरी ओर कर लो। प्रभु यीशु कहते हैं कि पूरे मन से मेरी ओर आओ। अगर इब्रानियों 3 अध्याय 15 में पढ़े, जैसा कहा जाता है कि यदि आज तुम उसका शब्द सुनो तो अपने मनों को कठोर ना करो। अगर आज आपने उसका शब्द सुन लिया, उसका वचन सुन लिया, उसके मनों अपने मनों को कठोर ना करो, अपने मनों को फेर लो, अपने मनों को बदल लो, अपने विचारों को बदल लो, जैसा कि क्रोध दिलाने के समय किया था। जब आपने उसका वचन सुन लिया, आप अपने मनों को कठोर ना करो, मनों को हलीम कर लो, मनों में सोचो, मनों को बदल लो, अपने विचारों को बदल लो। आज का इंसान पछताता नहीं, पश्चाताप करता नहीं,
आपने चाहे कितने भी पाप क्यों ना करें। और पहला यूहन्ना पहला अध्याय उसकी 7 आयत में उसके पुत्र यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। आपने कितने भी पाप क्यों ना किए उस प्रभु के पास आओ। उसने आपके सारे पापों की कीमत चुका है। अगर आज का इंसान आज की दुनिया जो अपने बुरे कामों से मन फिरा ले परमेश्वर की ओर लौट आए जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु की ओर लौट आए तो समाज की सारी परेशानियां सारी बीमारियां सारी समस्याओं को परमेश्वर चुटकी में दूर कर दे। इस कोरोना की बीमारी को परमेश्वर चुटकी में वापस बुला दे। जितने भी महामारी जितनी भी समस्याएं होती है सबका रिमोट कंट्रोल परमेश्वर के हाथ में। एक बारी तू करना हाथ ला तौबा नहीं चंगी बार बार। अब काफी लोग समाज में क्या कहते हैं अभी तो जवानी की उम्र है ऐश प्रस्ती खा लो पी लो बढ़िया पहन लो बुढ़ापे में जाके तौबा करें फिर चर्च जाए फिर बपतिस्मा ले। हो सकता है आपको वो दिन देखने को ही ना मिले। एक बार एक प्रभु के दास ने मुझे एक डांसर थे किसी जगह प्रोग्राम कर रहे उस मीटिंग में प्रभु का दास एक प्रचार करने गया उसी जगह उसी पिंड उसी स्थान के आसपास ही प्रभु का दास प्रचार करने गया। जब प्रभु के दास ने प्रचार खत्म किया प्रभु के दास ने बताया कि प्रभु का आत्मा ने उसको बताया कि इस डांसर को जाके कह दे। प्रभु का दास जब प्रचार खत्म करके उस डांसर के पास जब वो प्रोग्राम खत्म कर चुकी उसके पास प्रभु के दास ने उसको क्या बस सुन तूने बहुत डांस कर काफी पैसा कमा लिया अब तौबा कर इन सब कामों को छोड़ दे इनमें कुछ नहीं मिलने वाला ये सब बातें फजूल हैं। पर उस डांसर ने क्या कहा अभी तो मेरे 2-3 प्रोग्राम और पड़े हैं उन 2-3 प्रोग्राम को मैं कर लूंगी फिर मैं आपकी बातें सुनूंगी। पर अफसोस की बात जब वो कार में बैठी चल पड़ी 25-30 किलोमीटर दूर अफसोस की बात उसकी कार का एक्सीडेंट उसी रात को वो मर गई बिना तौबा किए मर गई। क्या मिला उसको कितने लोग कहते हैं शादी कर लूं बस मैं फिर तौबा कितने लोग कहते हैं घर में बस बच्चा हो जाए बच्चे को ड्यूटी मिल जाए फिर मैं तौबा करूं। क्या पता कि आपको वो समय देखने को मिलेगा या नहीं कल का किसी को पता नहीं क्या होगा। अभी अनुग्रह का समय चल रहा है तौबा अभी अनुग्रह का समय चल रहा है तौबा प्रभु यीशु आपको बुला रहे हैं। आप चाहे किसी भी धर्म जाति के आप गोरे काले क्यों ना हो आप किसी भी देश में क्यों ना हो प्रभु आपको अपने स्वर्गीय राज्य का अधिकारी बनाना चाहते। जब अनुग्रह का समय चला गया उन 5 कुमारियों जब कलीसिया को प्रभु उठा के ले गया फिर अगर आप कहेंगे प्रभु यीशु मुझे भी बुला ले आपको बुलाने के लिए परमेश्वर ने कोई स्पेशल एरोप्लेन नहीं भेजा आपके लिए स्पेशल कोई जहाज नहीं कि चलो उनको भी ले आओ जाओ फिर तो परमेश्वर आपसे एक अब तो 7 साल इंतजार है महाकलेश काल से अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा फिर मैं तुझे 7 साल के बाद मिलूंगा। उस छुटके बेटे के बाप की तरह उस बाप की तरह परमेश्वर आज आपको माफ करना चाहता है। आज कितने मसीह लोगों में से ऐसे लोग हैं जिन्होंने मसीह के कहला करके अन्य जातियों से शादी कराने की सोची हुई है। अपने विचारों को बदल लीजिए अपने मनों को फिरा लीजिए। अगर कोई मसीह का कहला के नशा करता है जादू टोना करता है मूर्ति पूजा करता है व्यभिचार करता है ठगी चोरी करता है घमंड करता है किसी की बहू बेटी की तरफ गंदी नजरें डालता है किसी को लूटता है रिश्वत लेता है अपने आप को तुरंत बदल दे तुरंत मन को फिरा परमेश्वर आपको बदलना चाहता आप जहां जहां भी मेरी आवाज को सुन रहे परमेश्वर आपको प्रेम करता है। आपके दुख कितने भी आपकी समस्याएं कितनी बड़ी हैं परमेश्वर आपको समस्याओं से निकाल आप
आपके रुके कामों को पूरा करना चाहता हूँ, आपके कर्जे को उतारना चाहता हूँ, आपको परमेश्वर सारी सुविधाएं देना चाहता हूँ। इससे बढ़कर परमेश्वर आपको अपने स्वर्गीय राज्य का दिखाना चाहता हूँ। सच्चे दिल से तौबा करो, इसी समय पश्चाताप करो, इसी समय परमेश्वर से कि परमेश्वर मैं तेरे से दूर चला गया, अब तेरे नजदीक आना चाहता हूँ, मैं अपने मन को फिराता हूँ, मैं सारी बुराइयों से पश्चाताप कर सारी बातों के लिए पश्चाताप कर दो, मुझको क्षमा कर दो, मुझको माफ कर दे, परमेश्वर आपको क्षमा कर दे। मैं आप सबके लिए दुआ करूं, जितने लोगों ने सच्चे दिल से पश्चाताप किया परमेश्वर आज ही उनके दिनों को बदले, आज ही उनके जीवन को बदले। आज से जब अपने बुरे कामों को छोड़कर बुरे कामों को मन फिराकर तेरी ओर आते हैं, शैतान को छोड़कर शैतान के कामों को छोड़कर तेरी ओर आते हैं, बुरी बातों को बुरे कामों को बुरे सोच विचारों को छोड़कर तेरी ओर आते हैं। आपने इन सबके पापों के लिए अपने बेटे यीशु को जमीन पे भेजा, सबके पापों के लिए यीशु मसीह ने जान कुर्बान कर दी, सबके पापों के लिए अपनी पीठ पे कोड़े से, सबके पापों के लिए अपना पवित्र खून बहाया, आपके बेटे यीशु का लहू इनके सब पापों से शुद्ध कर सबको, अपने बेटे यीशु के लहू के द्वारा धो दो, इनको आज से बदल दो पिता, इनका जीवन बदल दो, इनका भविष्य बदल दो पिता, इनके काम बदल दो पिता, इनके जीवन का उद्धार करता बन जाओ। अगर इनके बुराइयों की वजह से इनके जीवन में कोई काम रुके पड़े, इनकी बीमारी कोई रुकी पड़ी, यीशु के नाम इनकी बीमारी को दूर, हर प्रकार की परेशानी यीशु के नाम में दूर, से लेकर पांव की तरफ तक सारी बीमारियां जाती है, परेशान करने वाले दुष्ट आत्मा इनको छोड़े, और ये वचन सुना के इनके जीवन में सौ गुना फल आए, इनके घरों में परिवार में आज से ही बरकतें आने शुरू हो जाए, इनके सबके रुके हुए काम पूरे होने शुरू हो जाए, इन सबके जीवनों के मालिक आप बन जाए। जितने बेटा कलीसिया के लोग जुड़े हैं वचन सुन रहे हैं, सबको आशीष दो पिता, परमेश्वर वचनों को सुनकर अपने मनों को फिराते हैं, परमेश्वर आप इनको बहुत ताई से आशीष देना, जितने बाद में वचनों को YouTube पे जो Facebook पे सुनेंगे उन सबको भी आशीष देना, इसकी कोई भी शक्ति खुदा यीशु के नाम में इनको छूने ना पाए, और ये पूरी तरह मन फिरा के आपकी ओर आते हैं, परमेश्वर आप इनके जीवन के स्वामी बन जाए, इनके घरों में सुख शांति देना। धन्यवाद प्रभु जी, आपने दुआ को सुना, हमारे पूरे देश के लिए, पूरे हिंदुस्तान के लिए बड़ी आशीष मांगते, पूरी दुनिया के लिए सुख शांति मांगते, हम दुआ करते हैं जो हिंदुस्तान में और दूसरे देशों में कोरोना वायरस फैलता जा रहा है, हम मानते हैं कि दुनिया में पाप बढ़े हैं, बुराइयां बढ़ी हैं, दुनिया में स्वार्थ बढ़ा है, मूर्ति पूजा बढ़ी है, विचार बढ़ा है, इसलिए आपका गुस्सा बढ़ा है, आखिरकार प्रभु जी ये प्रजा ये लोग आपके हैं, आप इन सबको एक बार क्षमा कर दीजिए, दुनिया से इस बीमारी को वापिस बुला दीजिए, तेरी दया पूरे हिंदुस्तान पूरे पंजाब पूरे लुधियाना पर मांगते हैं, धन्यवाद करते हैं, प्रार्थना को खुद हम यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। याद रखिए, अब हम वीरवार को फिर से लाइव मैसेज में फिर से मिलेंगे।
और लाइफ टाइम का लाइफ जो चलेगा हमारा प्रोग्राम वो 6 बजे ही टाइम होगा उसका। अगर आप इस टाइम को आगे पीछे करना चाहते हैं तो व्हाट्सएप पे हमें लिख कर भेजें या फेसबुक कमेंट्स पे भी लिख कर दे सकते हैं। उसके बाद विचार करके हम आपको सूचना देंगे। अगर आप में से किसी कोई सूचना नहीं देते और वीरवार को 6 बजे हम फिर से लाइव होंगे, जो कहने के लिए प्रार्थना की जाएगी, किसी का प्रार्थना का टॉपिक है वो वीरवार के दिन ही की जाएगी। सुखदाउद आप सबको शांति और बरकत दे। शालोम।